रही है और इसको लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर ही रहे हैं। और कुछ एक ऐसे भी हैं जो देख तो रहे हैं बट शेयर नहीं कर रहे हैं। मैंने चेक किया तो लगभग 40-49% ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कर लो यार, तुम्हारा कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा हमको इससे और मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। अब तक हम ट्रांसलेशन में इस क्लास के अंदर में हम आपके सामने कुछ चीजों की बात कर चुके हैं। कौन सी बात कर चुके हैं? मैं आपसे कैन की बात कर चुका हूँ, यस और नो? मैं आपसे कुड की बात कर चुका हूँ, यस और नो? मैं आपसे शुड की बात कर चुका हूँ, यस और नो? मैं आपसे कुड बी की बात कर चुका हूँ, यस और नो? मैं आपसे कुड हैव की बात कर चुका हूँ, यस और नो? मैं आपसे कुड हैव बीन की भी बात कर चुका हूँ, यस सर। मैं आपसे मे की भी बात कर चुका हूँ। यस अब सर। तक हम ये टॉपिक कर चुके हैं, अब तक हम इतना काम कर चुके हैं। इससे पहले भी मैं काम किया, हमने एजेम और लिखे थे, हमने ये भी किए थे और हमने एक और कराता है और हैव वाले भी सेंटेंस, ये मेरे पास घर है तुम्हारे पास क्या है, याद है कुछ? हम ये भी कर चुके हैं। अब तक हम इतनी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं और आपको इतनी क्लासेस मिल चुकी है, क्या कह रहे हैं आप? वॉज वर्क बात नहीं किया, लिखना पड़ेगा उसके लिए, क्या याद आपको इतनी बात को कराया आपको, ठीक है ना? अब तक इतनी चीजें हम करीब 4 से 5 क्लास, अब तक 5 क्लासे हुई है, ये 5 क्लासे। और इन 5 क्लासेस के अंदर में रेशियो दिन प्रतिदिन बढ़ने के बजाय ड्रॉप होता है। उस ड्रॉप के पीछे लक्षण रीजन यही है जो मैंने आपको बताया कि जो रियलिटी है यहाँ के बंदे कुछ इस कैटेगरी में आते हैं जो सोचते हैं इस बारे में कि कोई मास्टर आपको 10 रुपए पढ़ाएंगे खिलाए और तुम्हें 10 रुपए भाई लग रहे हैं, वो मोमोज खास कर सुन रहे हैं, बट कोई नहीं, ये भी जरूरी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी शुरू करते हैं। बस आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बस देखते जाइए आज का क्या क्या होने वाला है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने अभी तक हमने क्या किया, हमने शुड पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है? हमने शुड पढ़ा था, जहां मैंने बताया था आपको कि इसका इस्तेमाल करेंगे जहां पर ये वर्ड लिखा होगा, बताया था यस और नो? और मैंने आपको इस लगे कि वो फर्स्ट मंथली बताया था आपको मैंने, यस और नो? ये अब तक मैं आपको चीजें बता चुका हूँ। अगर मैं आगे बात करूं, ये नंबर एक था, इसी में आगे बढ़ते नंबर दो, ये करा चुका हूँ आपको मैं, ठीक है? अगर नहीं आता है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा आपको। चलिए मैंने याद है ना कराया था शुड, और आते हैं इसमें, अभी करेंगे हम अगला टॉपिक जिसमें है वो है शुड। क्या है शुड? है इसका मतलब है चाहिए था। क्या मतलब है? चाहिए था। क्या मतलब है? चाहिए था। और इसके साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है? कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और वर्ब मैं बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं, याद है ना वर्ब बताया था मैंने आपको? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बार जैसे मैंने लिखा बच्चों को पैसे पैसे नहीं, चेंज करते हैं ये नहीं, राम को मेहनत 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 करनी चाहिए थी। मानने सेंटेंस वाला हो गया, राम को मेहनत करनी चाहिए थी। जो मैंने इससे पहले सेंटेंस लिखा था वो एक्चुअली पैसिव में जा रहा था, तो पैसिव इसके बाद करेंगे इसलिए मैंने रोक दिया उसको, ठीक है? राम को मेहनत करनी चाहिए थी। अगर इसी में हम आगे बात करते हैं, एक सेंटेंस देख लीजिए, अगर मान लो इसकी किस बारे क्या बनाओगे आप? पहले राम आएगा, फिर क्या आएगा? चाहिए थी, फिर आएगा मेहनत, यही आएगा ना? नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। तो पहले मैं लिखा राम, साथ में आया मैंने सुड है, और मेहनत करना क्या होता है? वर्क हार्ड। वर्क हार्ड होता है, हार्ड वर्क नहीं होता। क्या होता है? वर्क हार्ड। वर्क हार्ड होता है, बन गया। कोई दिक्कत परेशानी? एक सेंटेंस और देख लीजिए, एक सेंटेंस और देख लीजिए। जैसे लिखा मैंने, क्या लिखा? अध्यापक को विद्यालय विद्यालय
समय पर आना चाहिए था। यहां पे एक सेंटेंस है, ठीक है, क्या लिखा, अध्यापक को विद्यालय समय पर आना चाहिए था। अब मान लो इसकी फीस बनानी है, तो जैसा मैंने कहा है गिनती सबसे बेस्ट है। अगर आप स्टार्टिंग मोड पर हैं और अभी आपको ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, अभी आपको बनाने में दिक्कत होती है, उसका सिंपल समाधान है कि आप काउंटिंग से उसको करो, तो काउंटिंग से ये काफी आसान रहेगा आपके लिए। जैसे नंबर एक पे तो अध्यापक ही आएगा, नंबर दो पे चाहिए था आएगा, नंबर तीन पे क्या होगा, आना ऑन टाइम, ये नंबर तीन पे ले लो, और नंबर चार पे ले लो विद्यालय, बना दीजिए। जाएगा पहले टीचर, टीचर क्या आएगा, टीचर, टीचर आ गया, टीचर के बाद शुड हैव, शुड हैव, फिर होगा कम ऑन टाइम, टाइम, टीचर शुड हैव कम ऑन टाइम, कहां पर, यहां लिखा है कहीं स्कूल में, स्कूल पर, कम ऑन टाइम कहां आएगा, स्कूल। अब मुझे बताया कोई, बताओ यहां पर कि क्या लगाए, सिर्फ विद्यालय लिख दे, स्कूल लिख दे, ठीक है, या लिख दे टीचर शुड हैव कम टू स्कूल ऑन टाइम, ये बनेगा सही, फिर टीचर शुड हैव कम टू स्कूल ऑन टाइम, ऑन टाइम, अब ये सही है, ठीक है। अगर आप बोलोगे टीचर शुड हैव कम स्कूल ऑन टाइम, ये भी ठीक है, अगर आप टू नहीं लगाना चाहते मत लगाइए। मैं आपको क्या बोला था, शुरू बताया था मैंने आपको, हमारा मोटिव है ट्रांसलेशन को करना, अभी हम ग्रामेटिकल नहीं देख रहे हैं, अभी हम ग्रामेटिकल चीजें नहीं देख रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि हम जो हमारे पास लाइन है हम उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। हमारा 100% सही ना हो चलेगा, लेकिन बनाना आ रहा है हमसे, वो क्या हमसे वो सेंटेंस बन रहा है, हो सकता है थोड़ा गलत बने, लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है बनाने के आंसर, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर गलत हो रहा है तो सही भी होगा, सही भी होगा, और अगर आपने बनाया ही नहीं है तो ना वो गलत हुआ तो सही भी नहीं होगा। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, नो सर, बहुत बढ़िया बेटा, कम की थर्ड फॉर्म तो कम ही होती है बेटा, वर्क हार्ड की आप इसको वर्क हार्ड कर दो, इसमें ईडी लगा दो, लो इसे यहां लगा दो, मुझे लगा इतना कर लोगे, चलो ये लो, वर्क हार्ड हो गया बस, ठीक है, इतना कर सकते हो आप, चलो बढ़िया, वेरी गुड, भी समझदार है, भी थोड़ी पकड़ने वाली आपको पकड़ ना पा रहे, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को है, नो सर, सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आ रहा है पूरा, ओके एक सेंटेंस और देख लेते हैं, ठीक है, इससे हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं डॉक्टर, डॉक्टर को नई दवाई देनी चाहिए थी, डॉक्टर को नई दवाई देनी चाहिए थी, ठीक है। अब इसकी इस बार कैसे बनाएंगे, पहले क्या आएगा, नहीं डॉक्टर आएगा, फिर चाहिए थी, फिर मेडिसिन, ठीक है, हो गया, तो पहले क्या लिखेंगे, डॉक्टर, फिर शुड हैव गिव का गिवन, क्या गिवन, न्यू मेडिसिन, न्यू मेडिसिन, कोई दिक्कत, आसान है, केयर हुआ, देख लीजिए यह है आपका शुड हैव, क्या है ये, शुड हैव, ये शुड हैव है जो हमने आपके सामने भी किया है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं, देख लीजिए अभी जरा, शुड हो गया हमारा, शुड हैव हो गया हमारा, अगले वाले को भी देख लेते हैं, उसका नाम है शुड बी, क्या है, शुड बी, चलिए थर्ड क्या बात कर रहे हैं हम, शुड बी, शुड बी, इसका इस्तेमाल करेंगे कहां पर, जाना चाहिए, कहां चाहिए, जाना चाहिए, चाहिए, क्या बोला मैंने, चाहिए, चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला कि राम के द्वारा, राम के
दोबारा, यह पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए, काटा जाना चाहिए चाहिए, एक सेंडर माध्यम वाला, ठीक है ना। राम के द्वारा यह पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए, कौन सी वर्ब आएगी इसमें भी, इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगी, जो आपने कराया ना, कुड बी, कुड हैव बीन, कुड हैव, तो यही तो है, शुड बीन, शुड हैव, शुड हैव बीन, सेम है। वहां कुड में फर्स्ट फॉर्म थी, यहां शुड में फर्स्ट फॉर्म है। बात सुन आई आप सबको? अच्छा, अभी मान लो इस तीन बात है, चलो भाई कैसे बनेगी भाई। मैंने बोला हमेशा है कि द्वारा से पहले आ रहा है, ये जाएगा लास्ट में, द्वारा के बाद क्या आ रहा है, यह पेड़, तो यह पेड़ पहले आएगा, यह पेड़ पहले आएगा। मैं बड़ा लिखता हूँ, अगर हाथ दिखाई ना दे रहा हो यूट्यूब पे किसी को, तो यहाँ बड़ा लिखूंगा, देखता रहा। पहले क्या आएगा, दिस ट्री, क्या आएगा, दिस ट्री शुड हैव, सॉरी बी आएगा, बहुत बढ़िया, दिस ट्री शुड बी, नॉट बी, अच्छा भाई नॉट बी लगा दो पहले, दिस ट्री शुड नॉट बी कटेड, वैसे कट का कटी होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। लेकिन तुम इतने दिल लाके बोलो तो इतना कहा दो, एक टी और आएगा, एक और टी आएगा, तो मैं पूछ रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हो, बताओ पहले डिसाइड कर लो, आप पूछ रहे हो बता रहे हो, बता रहे हो, बता रहे हो, डबल टी आएगा, yes। अच्छा ऐसा कह रहे हो क्या, लो मैं लगा दिया, अब तुमने लगवाया ही गलत होगा तो मैं ये बता रही होगी, पहले बता रहा हूँ बात आपको, ठीक है। बाय बाय कौन, बाय राम, मैंने बड़ा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे लाइक बढ़ रही है, हो सकता है दिखाई ना दे यूट्यूब पर किसी को, ठीक है ना, इसलिए मैंने बड़ा लिखा है। अच्छा चलो एक सेंडर देखते हैं इसके अंदर, एक सेंडर करके बनता है ना, जैसे मैंने लिखा, मैंने बोला कौन सी फिल्म, कौन सी फिल्म बनाई जानी चाहिए, मान लो सेंटेंस है, कौन सी फिल्म बनाई जानी चाहिए, तो इसको बनाते हैं भाई। तो मैंने बोला है जब भी कोई WH फैमिली का वर्ड शुरू में आ जाए और उसमें जाना की बात हो, बोला है मेरे पैसिव में ऐसी कोई बात हो, तो उसी को बना दो अपना सब्जेक्ट, ठीक है, जाएगा क्या आपका, विच मूवी शुड बी मेड, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ आ रहा है क्या, बता रहा हूँ आपको, चलो एक और देखते हैं, सुझाते हाथ कंगन को आज सीख, एक और देख लो, जैसे लिखा मैंने, यह पत्र क्यों लिखा, लिखा छोड़ो, अपना लिखा लिखते हैं, अभी लिखते हैं, पढ़ा जाना चाहिए। अब देखो इसमें भी क्यों आ रहा है, और अगर क्यों आ रहा है, WH फैमिली का वर्ड आ रहा है, तो कहां लिखोगे, बस इसको शुरू में पकड़ लो, बना दो सभी इसको, वाई, क्या बोला मैंने, वाई Should be read this letter. बस इतना काम करना है, बताओ यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी, यहां तक क्लियर हुआ, मैं क्या समझना चाहता हूँ आपको, मैं सबको क्लियर हुआ, और जो यूट्यूब पे देख रहा है आपको समझ आ गया होगा, आया कि नहीं, अगर आया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड कर लो, दोबारा देख लो, और फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, ठीक है, फिर मैं डिटेल में समझा दूंगा। और जो नए आए हैं देखने के लिए, तो भाई आपको ये एक दिन में पल्ले नहीं पड़ेगा, इसीलिए आप जाइए हमारे चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे वीडियो बैठकर देख डालो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है भाई। ये हमने बात कर ली आपसे शुड की, शुड हैव की, और शुड बी की बात हम कर चुके हैं, अब आगे लिखने की जगह नहीं है, हमें आगे लिखना है शुड हैव बीन, तो मैं पहले इसको क्लीन कर देता हूं, ठीक है, मैं इसे क्लीन करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
मैं पहले इसको क्लीन कर दूं, हम इतना कर चुके हैं, लो मैंने इसको कर दिया क्लीन। एक टॉपिक और रह गया, वो भी कर लेते जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत, फिर देखते हैं कि हमारा कितना काम हो गया है और अभी अभी और कितना काम करना है। तो भाई हमने कौन बस शुड कर लिया, शुड हैव कर लिया, और हमने एक और कर लिया कौन सा, शुड बी कर लिया। ये भी कर लिया, हमने जाना चाहिए। अब आते हैं आखिरी पे फोर, ये हमारा कौन सा है, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, बीन। इसका मतलब क्या होता है बताइए, जाना चाहिए, चाहिए जाना चाहिए था। अब इसको बनाने के लिए एग्जाम्पल देते, पहले तो चलते एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं लिखा, जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, पार्क में बच्चों के द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए था। अब इसकी लिस्ट बनानी है, काफी बड़ा टाइम लिंक हो गया ना। तो देखो ये तो इन पार्क है, सुन में आएगा नहीं, यार की बात है। और बच्चों के द्वारा से पहले तो लास्ट में जाएगा, क्या चीज खेलने की बात हो रही है, क्रिकेट। तो क्रिकेट को आप बना दो सब्जेक्ट, ये हो गया। फिर लिपस के बाद शुड, फिर आएगा आपका नॉट, अरे नॉट लगा लीजिए। फिर आएगा आपका हैव बी, क्या आएगा, हैव बी। फिर आएगा प्लेड इन पार्क बाय चिल्ड्रेन। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ये हुआ। देखो बात ध्यान से सुनो, यहाँ बात ये नहीं है कि आपकी ग्रामर में आएगा, यहाँ बात ये नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, ठीक है। ये आएगा आपको उस समय जब आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाओगे, आप शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर बनाओगे, आप आर्टिकल या एसे लिखोगे, आप लेटर लिखोगे, शॉर्ट स्टोरीज लिखोगे, या रिपोर्ट लिखोगे, या आप स्पीच लिखोगे, या आप डिबेट लिखोगे, जहां पर भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे, उन क्वेश्चनों को करने के लिए यू विल हैव टू यूज योर ट्रांसलेशन, सो देयर इट विल बी हेल्प यू। तो ये आपकी वहां पर मदद जरूर करेगा, 100% करेगा, 100% करेगा। इसीलिए आपको ये सिखाया जा रहा है ताकि आपकी ट्रांसलेशन में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो ठीक हो सके, बात समझ आई, इसलिए इसको सिखाया जा रहा है। कोई ये सोच के बैठ जाए कि मेरे एग्जाम में यही आएगा, ना जी ना, ये ना आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर आप कोई भी बुक उठाओगे ट्रांसलेशन की, जिसमें जैसे जेपीएस की आपकी कंसल्टेंसी वाली जो नीलम का पेज था होता शुरू का, उसे आप खोलोगे ना तो आपको मिलेगा ही उसके अंदर, नहीं मिलेगा आपको। ये ओनली फॉर ट्रांसलेशन के लिए है, बात सुनने आ गई। तो आज हमने शुड हम पहले कर चुके थे, शुड हैव बीन, शुड बी कर चुके हैं, शुड बी कर लिया हमने कुड कर लिया, कुड हैव बीन कर लिया, कुड बी कर लिया, और कुड हैव भी हमने कर लिया, हमने कैन भी कर लिया और मे भी कर लिया, यहां तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आखिरी टॉपिक बचा है इसके साथ का, फिर हम चले जाएंगे अगले पड़ाव पर, जहां हमारा क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा, एक नई चीज और सीखने को मिलेगी आपको। तो एक और देख लीजिए, इसका नाम है कैन बी, जो हमने शुरू में नहीं किया था, आप मुझसे कहता हूं। इसका इस्तेमाल कहां करोगे, जहां लिखा होगा जा सकता है, क्या लिखा होगा, जा सकता है, क्या लिखा होगा, जा सकती है, ये दिखाई दे रहा है उसमें, क्या मेरे बाहर लिखा होगा, यस सर, ओके, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, ठीक है। और इसका इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, और ये बहुत चीज होता है, आप खुद बोलते हो ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा माना सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने बोला सच
बोला जा सकता है, सच बोला जा सकता है। अब देखो भाई, इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सच बोलना होता है टेल द ट्रूथ या स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो सच बोलना हो गया स्पीक द ट्रूथ, जा सकता के लिए आ गया कैन बी। अब भाई कोई बचा ही कुछ भी, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया इस बारे में कि अगर आपको सब्जेक्ट ना मिले तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। रिमेम्बर, याद है आपको, तो क्या लगाएंगे आप, इट कैन बी स्पीक द ट्रूथ की थर्ड फॉर्म बनेगी स्पोकन द ट्रूथ। क्या बात समझ आई आपको? यस सर। अब बात समझ आई? यस सर। कहते हैं ऐसा कहा जा सकता है, या फिर ये बोला जाता है अधिकतर जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, या हम जब कोई करते हैं वो करते हैं कंक्लूजन, किसी आंसर का कंक्लूजन देते हैं तो वहां काम आता है, जहां लिखते हैं हम यह है कहा जा सकता है, ऐसे लिखा होता है। तो इसके अंदर क्या काम करना है आपको, देखो यह है कि लगा दो, सिंपल इट लगा दो, इट कैन बी सैड। और ये मोस्टली लाइन यूज होती है लॉन्ग क्वेश्चन में, लगभग जितने भी टॉपिक्स होते जहां आपने दोगे ना कंक्लूजन दोगे, मतलब निष्कर्ष दोगे, तो वहां पर इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। जब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और आर्टिकल करवाऊंगा तो आप खुद देखना ये लाइन ऑटोमेटिक आएगी सामने आपके, अपने आप आएगी। और मैं जितनी चीजें लिखवा रहा हूं ना, ये सारी चीजें ट्रांसलेशन में कैसे कैसे आएंगी वो मैं खुद करवाऊंगा आपको। ठीक है, आपको अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग करना है कि आपकी हिंदी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी चीजें आपकी हिंदी में आए, नॉर्मली नहीं कि एक टेंस सीख लिया और अपने झंडे गाड़ दिए, ना जी ना, सिर्फ टेंस सीखने से सब चीजें नहीं हो सकती। अब जैसे लड़का है बैठे बैठे उबासी ले रहा है, ये बात समझ नहीं पा रहा कि इतनी जरूरी क्लास चल रही है लेकिन लड़कों को नींद आ रही है, इससे मालूम पड़ता है कि सर दिमाग कितना कॉन्शियस है, क्या दिमाग सो रहा है, सहन बैठा हुआ है, इसे लग रहा है सिर्फ प्रचार हो रहा है बस, जो जो चल रहा है। तो आपको जो कराया गया है आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस, एक बार दो बार दस बार पंद्रह बार, जब तक आपको ये चीज नहीं आ जाए तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। बात समझ आ गई आपको? और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपके मन में जरा सा भी कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट करना, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली क्लास में जहां हम इससे थोड़ा हटकर आपको कुछ चीजें सिखाने वाले हैं, कुछ चीजें बताने वाले हैं जो आपको डेफिनेटली फायदा पहुंचाएंगे। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे अध्ययन मंत्र इंस्टीट्यूट तरफ से जय हिंद।